भाई जिस तरह से रिलायंस गिर रहा है, जिस तरह से इंडसइंड बैंक गिरा है, जिस तरह से टाटा मोटर गिरा है, जिस तरह से और भी बहुत सारे शेयर गिरे हैं, उनके हाई लेवल देख के ना मेरे दिल से एक ही बात याद आती है, एक ही गाना निकलता है, वो जब याद आए, बहुत याद आए, ऐसे रेटों को हमने देखा हुआ है, कहाँ गए हैं वो रेट दिल को दुखाए, वो रेट याद आए, बहुत याद आए। तो भैया एप्पल म्यूजिक कह रहा जी, तुम म्यूजिक सुना लो, आप लोग मेरे म्यूजिक की कदर करें ना करें, एप्पल वाले तो कर ही रहे। उसको लगा कोई बहुत बड़ा गाना आ रहा रिकॉर्डिंग क्या एप्पल म्यूजिक। तो भैया अब रेट पर वाले याद आ रहे के लिए आ रहे, आप सच से बताओ, आपको रिलायंस के वो रेट 3400 का रेट, वो टाटा मोटर का हसीन 1185 का रेट, वो अशोक लेलैंड का 260 के लपेटे का रेट, वो बेल का 330 के लपेटे का रेट, वो एक्साइड का 625 का रेट, वो रेट याद आए, बहुत याद आए, अमराजा का 1800 प्लस का रेट। अब वो वैसे लाइफ टाइम हाई पे भैया, रेटों की लगी पड़ी है भैया। आप कौन से अच्छे वाले रेट याद करके अपने दिल को बहला रहे हैं, कमेंट में लिख दीजिए उस रेट का नाम। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे थे यार वो डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, तो भाई उसके लिए आप मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पे, 7011-323-077, पूरी हेल्प करेगी आपको, पूरा ट्यूटोरियल देगी, पूरा समझा देगी कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस नंबर पे कॉल करिए, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और कमेंट लिख दीजिए क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यह एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए है और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई, क्या बोले, जो बाजार के हालात है ना, क्या बोले। कहते ना कि अपने जो शेयर हैं कुछ बहुत सारे यार गिरते जा रहे हैं लगातार, तो मार्क टू मार्केट के चलते बहुत पैसे डालने पड़ते हैं आजकल, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुछ शेयर बेचने पड़ते हैं, फोर्स प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सब प्रभु की लीला है, प्रभु का कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, मैं तो इतना जानता हूँ, अंत में सब बड़ा ही होगा। लेकिन क्या होता है, कई बार थोड़ा सा मन नहीं करता ट्रेड करने का, आजकल मैंने बहुत कम ट्रेड किया, आज दिल नहीं करता क्योंकि पहले इतनी पोजिशन है और कहीं मज़ा ही नहीं आ रहा। हालांकि कुछ शेयर बहुत भाग गए, बड़ा मोटा प्रॉफिट है एक दो में पोजिशन पे, लेकिन वो एक दो से काम नहीं चलता ना। तो आज तो वही गाना गा रहा का मन कर रहा था, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हर शेर दे खो जालिम, टूटने को है हुआ। रिलायंस देखो गिर रहा है, टाटा मोटर की तो लुंगी खुल गई, लुंगी डांस, टाटा मोटर तो लुंगी डांस कर रहा है, खुलती जा रही है साले की, और अब तो वो भी गिर गया, क्या नाम है। और आज तो भाई साहब जो इंडसइंड बैंक गिरा है, उसको देख के तो ये लगा क्या से क्या हो गया बेवफा
तेरे प्यार में सोच चाहा रहे थे, क्या, अच्छा था चाहा क्या 1600, तू हुआ 1400, लुट गए तेरे प्यार में। लग रहा था अभी 1600 होगा, साला 1400 के आसपास आ गया। आज तो बहुत ज्यादा गया है इंडस्ट्री में। तो क्या ना, आजकल तो भाई साहब शेरों ने ना लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस कर रखा हमारा। और उस लुंगी डांस में हो क्या रहा भाई, लुंगी खींची जा, हम लुंगी बचा के पकड़ के बैठे, इज्जत बचा के वो साला भी लुंगी खींच खींच के बेइज्जत करने पे तुला हुआ शेर बचा। हालांकि भागे हैं शेर, कुछ ऐसी बात नहीं, एक साइड भागा है बहुत। आज वो भागा था महाराजा, मैंने उसके पहले 100 शेर बेचे, फिर मैंने कहा नीचे के रेट में खरीदने पे डाल दिए, तो वो कवर अप भी हो गया, 3600 बच गए, तो वो इंट्रा डे बन गया। फिर मैंने कहा चलो क्रॉम्पटन भी बेचो, पैसे की ज़रूरत है, तो ढूंढ ढूंढ के कहते चुन चुन के, धर्मेंद्र का डायलॉग था, चुन चुन के मारूंगा कुत्तों को, तो हम कहते चुन चुन के बेचूंगा सालों को, चुन चुन के देख रहा हूँ कौन से शेयर में अच्छा प्रॉफिट है, बेचो भाई। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए मार्क टू मार्केट के लिए। तो ये जो है ना शेयर बाजार, बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, इसमें ना कोई तुम्हें जितवा नहीं सकता। सारे लोग फेल हैं, सारे एक्सपर्ट फेल हैं, सारी प्रिडिक्शन फेल हैं, सारे चार्ट फेल हैं, सारे कैंडल्स फेल हैं, सारे आरएसए फेल हैं, सारे एमएसडी फेल हैं, ठीक है, सारे बुलिंजर फैन पॉइंट फेल हैं, सारे बाबा लोग फेल हैं, सारे एक्सपर्ट्स फेल हैं, सारे यूट्यूबर फेल हैं, सारे मतलब लोग ही फेल हैं। कामयाब है तो एक ही चीज़, वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क को मैनेज कर लोगे तो अच्छे दिन देख पाओगे। कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं आपको अपनी वीडियोज़ के द्वारा, डेमोज के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा, मतलब रियलिस्टिक वे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट बचा सकता है। और आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप के 7011-323-077-7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट बनिए। पर याद रखिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। और आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि सबसे बड़ा हथियार शेयर बाजार में जीत दिलाने का क्या है, ये सब चार्ट चूट है या रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट? अपने विचार कमेंट में लिख डालिए। तो भैया अब ये सब, अब मैं तो करता रहता हूँ, ऐसा नहीं मैं कैंडल्स नहीं देखता हूँ, ऐसा नहीं मैं सब चीज़ों का हिसाब लगाता हूँ, रोज़ तो बात करता हूँ आपके साथ सारी डिटेल में डिस्कशन, लेकिन इन सब के ऊपर तो वो है ना क्या, रिस्क और कैश मैनेजमेंट। मैंने थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले लिया, वहाँ मैं दुखी भी होता हूँ, पास्ट में भी हुआ है, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर लिया होता है ना, तो एक स्टेज के बाद मैं दुखी हो जाता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करा होता हूँ। मैडम हंस रही हैं, भारतीय एयरटेल में हुआ था, बड़ा दुखी हुआ था, हालांकि उसमें बड़ा प्रॉफिट हुआ बाद में। अब टाटा मोटर ने तो ऐसे रुला के ना पेंटे वेंटे सब गीली करवा दिए, रोज़ दो दो बार पेंट बदलनी पड़ती है, तो साला हालत जो है ना ख़राब है। जिसमें जा अभी मैंने पीछे कर लिया उसमें एक साइड में, वो साला नंगा करके छोड़ दिया ऑपरेटर ने, फिर बेल में कर लिया उसमें भी बैंड बजा दिया, जिसमें आपने क्वांटिटी पकड़ ली, साला ऑपरेटर के पर लगता है क्वांटिटी पकड़ लेता है, जिसमें ज़्यादा काम कर दो ना उसमें ऐसा नचाएगा ऐसा नचाएगा, भाई साहब आपको लुंगी डांस कराया था आपका पूरा का पूरा। तो अब क्या क्या बोले यार, यही है सारी कहानी। अब देखो, अब कैंडल देखो, अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, बढ़िया सा चल रहा लुढ़का धड़ाम से। हालांकि नेचुरल है, देखो जब तक ना कैंडल्स अपर और मिडल बोलिंजर बैंड के बीच में ऑसिलेट करती रहती हैं, तो यानी बुल ट्रेंड बना हुआ है, तो ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं। यहाँ भी बेरिश क्रॉस ओवर बना था बहुत थोड़े समय के लिए, देखिए जब यहाँ आया था फिर वो रिवर्सल हो गया, तो अब फिर बेरिश क्रॉस ओवर बनता है। लेकिन अब एक एक दिन काटना, पैसे डालना, कैश कम हो जाए, शेयर बेचना, कैश अरेंज करना, कितना ओखा काम है, नहीं होता तो आदमी फंस जाता है। अब एमएससीडी चार्ट पे बुलिश क्रॉस ओवर तो ख़त्म है, देखो ध्यान से आप, आर एस आई काफ़ी रीजनेबल हो गया है, और कैंडलस्टिक चार्ट पे भी सारी ठंडी तो कर दी है, गर्माहट। तो अब देखो ना, अब कितने दिन का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आज यानी 7 दिन का लोएस्ट बन चुका है बाजार के अंदर। अब और लो बनाना है, इनको क्रैक करना है, तो फिर काफ़ी बाजार को नीचे जाना पड़ेगा, जो अपने आप में खतरे का काम हो जाएगा। तो भी कैंडलस्टिक चार्ट पे तो बाजार है वीकनेस की तरफ, ये नहीं कहूँगा लुट गया पर वीक हो गया,
एमएसडी चार्ट पे भी देखियो, मार्केट मूड भी देखिए काफ़ी हल्का हो गया, अब तो 50 के करीब पहुंच रहा है, 50 के नीचे आ गया तो फिर फियर बन जाएगा, 30 के नीचे आ गया तो एक्सट्रीम फियर है। यहाँ जब ये बन गया था 62-65 तो ऐसा लग रहा था कि अब 70 के ऊपर जाके एक्सट्रीम ग्रीड बन जाएगा, पर एक्सट्रीम ग्रीड बनने से पहले इसकी बत्ती गुल हो गई। अब ये थोड़ा सा मुझे एक अच्छा लगा है ये ना, अब यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा भाई, मुझे तो अच्छा लगा है, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, 101 ठीक है, थोड़ा डॉलर स्ट्रांग रहना चाहिए यार, 100 की तरफ बढ़ रहा था मुझे अच्छा लगा, क्रूड भी हल्का सा बढ़ा है तो मैं तो खुश हूँ, रुपया बढ़ा है मैं उससे तो इतना खुश नहीं हूँ, नेगेटिव ही कहूँगा, और ये भी थोड़ा डाउन हुआ है ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर से तो मैं हैप्पी हूँ बहुत कि भैया सब ठीक है। अब सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है चाइना की, चाइना के बाजार हफ्ते भर के लिए बंद हैं। अब चाइना की तरफ ऐसा लग रहा है FIIs का रुझान चल रहा है, जिसके चलते देखो लगातार कैश सेगमेंट में बड़ी भारी बिकवाली है, तो अगर चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए FIIs इंडिया से मुंह मोड़ लेंगे, वो गाना गाते हैं ना, अब वो अच्छा लग रहा है तो इसको छोड़ जाएंगे, ठीक है, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला ये बहुत दूर चाइना की तरफ ये चला। अब ये दूर जा रहा है चाइना की तरफ, क्या करे, कैश सेगमेंट में बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली, कुल मिला के कल तो 20,000 से ऊपर गई थी, आज भी बड़ी 82 करोड़ की कर दी। ये तो कहो कि बुरे वक्त पे अपने कहते हैं अपने ही ये काम आते हैं, DIs माल खरीद रहे हैं तो उसके चलते कैश सेगमेंट में कम बिकवाली हुई है, क्योंकि काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया है इन्होंने FIIs की सप्लाई को, DIs एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अभी है FIIs के ऊपर DIs का काफ़ी माल पड़ा है, तो अभी मेरे को लगता है 1,00,000 करोड़ तक का तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, हालांकि मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर मैं अपनी कैलकुलेशंस, मेंटल कैलकुलेशंस या वो कहते हैं एक वर्ड होता है ना इंट्यूशन से कह रहा हूँ कि इनके पास 1,00,000 करोड़ का तो माल होगा खरीदने के लिए, तो अगर 5,000 एवरेज भी ये बेचते रहे हर रोज, तो 5,000 × 20 1,00,000, तो 20 यानी 1.25 महीना तो संभल जाएगा बाजार, फिर नहीं आ जाएंगे ऐसे ही भी। देखो तो ये सारी पोजीशन है, अब देखो ना ये कम हो रही है, हालांकि अभी भी हायर साइड पे हैं, इंडेक्स लॉन्ग स्टॉक लॉन्ग अगर आप ट्रेडिशनल देखोगे तो बहुत हायर साइड पे ही हैं, हालांकि जो पीक बनाया था उससे दोनों कम हो गई हैं, पर ये तो नहीं कह सकते लोअर साइड पे, तो हायर साइड पे है तो चिंता तो है, उनको भी रिवर्स करने में आसानी है। आज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बाजार ठीक रहा, बड़े सेक्टर्स को मारा है, यहाँ तो ठीक ही लग रहा है, इंडेक्स पे देखो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा है घटा है, पोर्टफोलियो बड़ा माइन्यूटली सा घटा है, इंडिया विक्स में भी आज गिरावट है बड़ी भारी, फिर 12 के नीचे आ गया, 3 इंडेक्स गिरे हुए हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, और ज़्यादा नहीं गिरे और आपका निफ्टी 100, बाकी सब तो हरे में, सबसे ज़्यादा निफ्टी स्मॉल कैप तेज है, तो इंडेक्स लेवल पे तो मिली जुली कहानी है। आज भाग रहा था नेल्को, पॉलीकैप, बलरामपुर चीनी, नवीन फ्लोरिन, इनको तो पर लग गए थे, और गिरे हुआ था MM फाइनेंशियल, इंडसइंड बैंक, जुबिलेंट फूड, मुथूट फाइनेंस। मैंने तो क्या करा, कुछ फ्यूचर प्लस करके थे वेदांता के, बहुत सारे शेयर थे 20,000 के आसपास शेयर होंगे, मैंने सारी कॉलें बेच दी फ्यूचरों की भी और शेयरों की, एवरेज 500 प्लस की, मैंने कहा जाए, थक गए जाएँ, काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो पोजिशनें संभलेंगी, पर अब ये जाएंगे अभी तो जाएंगे नहीं, सारी पोजीशनें हैं कब की, अक्टूबर की भी है कि नहीं देखता हूँ, अभी बात चली है तो देख लेते हैं यार, वेदांता अक्टूबर की हैं, 4601 है, नहीं नहीं अक्टूबर की हैं, अरे देखने तो मैडम चिंता ना करो, मैंने कहती आगे बढ़ो बताओ मत बच्चों को, बच्चे हैं अपने बताने में क्या जा रहा है,
13,000-13,500 शेयर की अक्टूबर की कॉल है, अभी सारी न मनी हो जाए तो कुछ पैसे रिलीज हों तो अपनी गाड़ी चलाएंगे। भैया यही सब सीखना है शेयर बाज़ार में, कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो मैं किसी एक शेयर पर, क्योंकि मुझे लग रहा है वेदांता बड़ा डबल ही हो गए मेरे तो, लगभग पूरे डबल नहीं हुए, डिविडेंड वगैरह भी तो आया, डबल हो गए पैसे। तो ठीक है यार, एक बड़ा मोटा मुनाफा हो जाएगा, घर जाओ अपना, कितना कितना करोगे। अच्छा नया आजकल ना आप उसमें जो पहला वाला देती हूँ ना स्क्रीनशॉट, ये 5 वाला, उसमें वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नहीं आता, समझे आप? पहले आता था ना पूरी मार्केट का एडवांस डिक्लाइन, एक बार निकाल के बता दो तो अच्छा रहेगा। हाँ वो वाला पार्ट मिस हो रहा है। 20 शेयर बढ़े हुए थे और 29 शेयर गिरे हुए थे। 25,810 पे बाजार बंद हुआ, 25,788 पे खुला। एक बार को तो ये लेवल अच्छे से क्रॉस किया बाजार ने, बड़ा हाई बनाया 25,907 का, यानी क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर चला गया, बड़ी बात है 100 पॉइंट शुरू में ही, पर फिर ने टिक नहीं पाया, फिर गिर गया, बॉटम बना दिया, फिर चढ़ गया, फिर गिर गया, फिर चढ़ गया, फिर वही बॉटम टच किया, फिर हल्का सा किया। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो वैसे अच्छा है, देखा जाए 1,476 शेयर बढ़े हुए हैं और 1,020 शेयर घटे हुए हैं, इससे अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या होगा। और फिर आज इसने बॉटम बनाया, शुरुआत में बन गया था मेन बॉटम और हाई 25,740 के लपेटेगा, अल्टीमेटली फ्लैट ही बंद हुआ 25,800 के लपेटे में, 14 पॉइंट गिरकर फ्लैट सही बंद हुआ। भाग रहे थे आज आईटी शेयर, जैसे टेक महिंद्रा भागा, इन्फोसिस भागा, ये दो आईटी शेयर भागे। इसके अलावा M&M, ब्रिटानिया, कोटक, M&M ने आज, M&M में बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है, काम ही कम होता है इस साले शेयर के अंदर, करंट मंथ में होता, आगे के मंथ में होता ही नहीं है। इसकी सेल ये थर्ड स्पॉट पे आ गया, टाटा मोटर को पीछे छोड़ दिया SUV की सेल में, वो रॉक्स लॉन्च करी नहीं, लगता अब काफ़ी माल इनका बिकेगा। और हुंडई से थोड़ी सी कम है, कहानी तो है। अच्छा अब गिरने वालों की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक, ONGC, मैंने इंडसइंड बैंक तो आज अपनी बैंड भिजवा दी, ONGC, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, टाइटन कंपनी, HUL, HDFC लाइफ, ये भी काफ़ी गिरा आज, तो शेयरों में काफ़ी मतलब पकड़ दी थी। अब PCR की अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो अब जो परसों जिसकी क्लोजिंग है, कल तो छुट्टी है, 26,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट है जो कि बहुत बड़ा है, और यही मैक्सिमम पेन बढ़ा है, यहाँ हल्का सा पुट का ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी 26,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस तैयार हुआ है। पुट राइटर्स डर के मारे चले गए 25,000 पे, 25,500 पे, 25,800 पे, 26,000 से कम हुए, यानी ये जब कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों नीचे के लेवल पे जाके पोजीशनें ज़्यादा खड़ी करें, देखो ना कॉल राइटर्स यहाँ भी बढ़ गए, तो इसका मतलब बाजार में कमजोरी है। कल सेकंड हाईएस्ट 27,000 पे था, सेकंड हाईएस्ट 25,800 पे, तो मंडे का जो बाजार नज़र आ रहा है वो 25,800 के लपेटे में नज़र आ रहा है, मंडे मतलब कल बोल गया, मंडे तो कल था, थर्सडे का एक्सपायरी का। मंथली वाले में कोई परिवर्तन खास नहीं है, मंथली में कोई खास नहीं है, मेरे को लगता है वीकली में ज़्यादा ड्रामा चलता है, मंथली में तो जब वो वीकली बनता है उसमें ही वीक में ड्रामा चलता है, अदरवाइज 26,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, मैक्सिमम पेन है, 27,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन है, तो 26-27 की रेंज दिखा रहा है बाजार मंथ एंड की। PCR मंथ का वाला तो बड़ा प्यारा है, 1.11 रीजनेबल है, पर वीकली वाला बिल्कुल ओवरसोल्ड है। अब चूंकि परसों एक्सपायरी और कल छुट्टी है तो ओवरसोल्ड की जगह इसको वीक कहना पड़ेगा, कमज़ोर है, ओवरसोल्ड होता है जब जरा टाइम फ्रेम बचा हो ना, ताकि ओवरसोल्ड को रिकवर करने का टाइम बचे, अब तो रिकवरी का तो टाइम है ही नहीं। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो सिर्फ 5 शेयर बढ़े हुए थे, 7 गिरे हुए थे। अब निफ्टी बैंक का भी क्या है, पिछली बार बंद हुआ 52,978 पर, आज उसके नीचे खुला 150 पॉइंट, खुलते ही पीक बनाया 53,235 का, जो इससे हायर साइड पे था, अच्छी बात। उसके बाद पीक शुरू में बनाया और फिर शुरू में बॉटम बना दिया, फिर ऊपर गया, फिर उस बॉटम को रिपीट करने की कोशिश करी, और बॉटम जो बना था 52,817 पे बना था, अल्टीमेटली जो है 52,922 पर, हल्का फुल्का फ्लैट ही कहोगे,
55 पॉइंट गिरकर 0.1% की गिरावट के साथ ये बंद हो गया। भाग रहा था कोटक महिंद्रा, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, भाग क्या रहे थे, तेज थे, ICICI बैंक, HDFC बैंक गिरा हुआ था, उसके अलावा इंडसइंड बैंक के कपड़े फट गए थे, PNB लुढ़क गया था, IDFC बर्बाद हो गया था, इनकी हालत पतली थी, AU स्मॉल फाइनेंस की भी लगी पड़ी थी, कैनरा बैंक आ गया, बंधन बैंक चला गया, तो ये सारी कहानी। अच्छा, अब कैंडल अगर इसकी आप देखेंगे तो नीचे का ट्रेंड तो बन रहा है, अब तो एक बारी को तो ए शेप फॉल हो ही गया, अब तो बस अब इंतज़ार है रिकवरी का, और यहाँ तो बुलिश कॉस्टर ख़त्म ही होने वाला है, RSI काफ़ी रीजनेबल है। वैसे मन तो यही कहता है कि मिडल बोलिंजर बैंड से टर्न ले लेगा ये तेजी की तरफ, तो कहता है दिल, पर दिल तो बच्चा है जी, क्या कह सकते हैं। अब नया वीक स्टार्ट होगा, उसकी एक्सपायरी 9 अक्टूबर की है निफ्टी बैंक की, वहाँ पर 53,000 का ऐसा लेवल है जहाँ पे पुट का, कॉल का, पुट का, मैक्सिमम पेन सब हाईएस्ट है, यानी अभी थोड़ा कल्मिनेट होगा ये, इसका डाटा ढंग से कल्मिनेट होगा एक आध दिन में। PCR इसका काफ़ी हल्का है 0.7 और ये 0.9, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बता ही दिया आपको, मैंने आज एक स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किया, एक इंट्राडे हो गया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से दाल रोटी निकलाई, एक एग्रेसिव पुट बेची, एक एग्रेसिव कॉल बेची, दो सेफ कॉल बेची और सो गया। जब कुछ करने को नहीं बचेगा तो करोगे क्या, सो जाओ भाई साहब, सोने में ही समझदारी होती है, टेंशन तो नहीं रहती, क्यों जी। अब क्रॉम्पटन मैंने बेचा था, 1300 शेयर पड़े थे, 100 बेच दिया आज यहाँ पर, बेच देंगे इनको धीरे धीरे, बहुत बहुत 35% का गेन है लगभग इसमें, ठीक है जो कमा लिया से। ARN बेचा था मैंने पहले, फिर मैंने नीचे में बाय का ऐसी ऑर्डर डाल दिया था, वो क्लिक कर गया, तो इंट्राडे में 3600 बच गया, ठीक है दाल रोटी निकले, पिज़्ज़ा खा लेंगे भैया। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो भैया शेयर बाज़ार जो है ना, बहुत ही पेशेंस चेक करने वाली जगह है, तो मैं यही कहूँगा अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो तो बड़ा ज़रूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे बोलिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू यू, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।